हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी इच्छा, इसी कामना और इसी मंतव्य से रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। तो देखते हैं कि आज माँ क्या आशीर्वाद लाती हैं। बहुत ज़बरदस्त रीडिंग होने वाली है आज की। आनंद आएगा, आज बहुत अच्छा लगेगा। आज पहला कार्ड ये बता रहा है कि यूनिवर्स, नेचर आपको कोई चीज़ ऑफर कर रहा है, आपको कुछ देने का प्रयास कर रहा है, मगर आप अभी जो जो कार्ड बोल रहा है, आप अभी अपनी धुन में रमे हुए हैं, आप अपनी धुन में रमे हुए हैं और आप नेचर के द्वारा दिया जा रहा ऑफर स्वीकार नहीं कर रहे। तो स्वीकार अस्वीकार की बात ही नहीं है, आप उसके तो ध्यान ही नहीं दे रहे, उसकी तरफ कोई देख ही नहीं रहे, मगर जो नेचर आपको देना चाहती है उसके ऊपर आप जरूर गौर करें, जरूर उसके ऊपर देखें कि थोड़ा सा अवलोकन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि नेचर किस दिशा में आपको लेके जाना चाहती है। आपको ऑफर दिया जा रहा है। और अगला कार्ड है सन का। नेचर आपको ऑफर देना चाह रही है, आप अभी उसके ऊपर गौर नहीं कर रहे हैं, आप अपनी जो जिस सोच में आप हैं, आप अभी उसी धुन में रमे हुए हैं। आप थोड़ी सी अपनी सोच से बाहर आएं और बाहर आकर के एक बार देखें कि क्या आपके साथ आसपास घटित हो रहा है या नेचर आपको क्या देना चाह रही है। अगला कार्ड सन का कार्ड आपके उज्जवल भविष्य की ओर संकेत कर रहा है कि जो आपको यूनिवर्स देना चाह रहा है, जो नेचर, जो प्रकृति आपको देना चाह रही है, वो कुछ बहुत बड़ी चीज है, वो कुछ बहुत बड़ा ऑफर है। आप तो किसी छोटे से काम की धुन में रमे हुए हैं, लेकिन यूनिवर्स आपको, एंजल्स आपको कुछ लार्ज स्केल में देना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा कि जो मिरेकल हो जाए, इतनी बड़ी चीज़ आपको देना चाह रहे हैं। इसलिए अपनी सोच को बड़ा करें और अपने जिस धुन में आप हैं उससे बाहर आएं। ये आपके लिए इन कार्ड्स की तरफ से मैसेज आ रहा है। और अगला कार्ड ये है कि आपके ऊपर अब एक्चुअल में क्या हो रहा है इस रीडिंग में, कि ये जो ऊपर दो कार्ड हैं और जो नीचे तीन कार्ड हैं, इन सब की रीडिंग इकट्ठी करूं तो बात बनती है, एक एक की करूंगी तो फिर आप कहेंगे अभी तो आपने ऐसा बोला था, अब आप ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन ये कार्ड आज इतने इंटरकनेक्टेड हैं कि मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि किसकी एक्सप्लेनेशन पहले करूं, किसकी बाद में करूं। तो इसलिए मैं अब कार्ड्स के द्वारा नहीं, मैं अब एक कंक्लूजन के तौर पे सारे कार्ड्स की इकट्ठी बोलूंगी। बस एक कार्ड की आपको पहले बता दूं
कि जो फर्स्ट कार्ड है फर्स्ट रो का और सेकंड रो का फर्स्ट कार्ड, ये बता रहा है कि नेचर आपको कुछ ऑफर देना चाह रहा है, मैंने जैसा कि अभी बोला। और सेकंड रो का फर्स्ट कार्ड ये कह रहा है कि आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कुछ बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने जा रहा है, चाहे वो शादी का हो। विश्वास करिएगा कि सारे कार्ड आज इसी दिशा में बढ़ रहे हैं, इसी दिशा में एक संदेश दे रहे हैं कि आपकी शादी जो मैरिजेबल है, जो बच्चे मैरिजेबल हैं, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे उनकी लव मैरिज हो, उनकी शादी होने वाली है, क्योंकि नेचर उनको यही गिफ्ट कर रहा है। आपको जिनको कोई लड़का या लड़की नहीं मिल रहे, नेचर उनके सामने लाने वाले हैं। और अगर आप लव अफेयर में हैं तो आपकी जो भी अड़चनें थीं वो सब दूर होने वाली हैं, क्योंकि नेचर आपकी इच्छा पूर्ति करने के लिए खड़ा हो गया। यूनिवर्स भरपूर आशीर्वाद दे रहा है, क्योंकि आगे वाले कार्ड्स भी इसी तरह का संकेत दे रहे हैं, क्योंकि आप अब अपने फैमिली के साथ बहुत बड़ा लार्ज स्केल पे फंक्शन करेंगे। शादी हो सकती है, शादी से पहले एंगेजमेंट हो सकती है, मतलब बहुत लार्ज स्केल पे कुछ होने वाला है, एक डेढ़ महीने में आपके साथ होने वाला है। इसके बाद अब अगले कार्ड्स की मैं इकट्ठी सारी बोलने जा रही हूँ, एक एक कार्ड का नहीं बताऊंगी, मैं कंक्लूडेड सब बोलूंगी। देखिए, आपके ऊपर ऐसे बड़े लोगों का आशीर्वाद रहने वाला है, जो आपको प्यार से भी और तलवार से भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर कुछ लोग आपके फैसले के अगेंस्ट होंगे, लेकिन आपके ऊपर आपके घर के बड़ों का ऐसा आशीर्वाद होगा कि जो विरोध कर रहे होंगे उनको वो प्यार से, उनके विरोध से आपको प्यार से भी और तलवार से भी दोनों तरफ से प्रोटेक्ट करने वाले हैं, बहुत बड़ी बात है आपके लिए, और इसके अलावा कोई ऐसी रिलीजियस पर्सनैलिटी है आपकी लाइफ में जो आपको भरपूर आशीर्वाद दे करके प्रोटेक्ट कर रही है, आपकी इच्छा पूर्ति में और आपके हर कदम पे आपका साथ दे रही है। कोई स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी है, स्पिरिचुअल कह लो रिलीजियस कह लो, कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जो आपके लाइफ का लॉक, ये देखिए ना, ये कार्ड क्या कह रहा है, ये देखिए, ये नीचे चाबी का साइन है, तो ये आपके जीवन का बंद लॉक खोलने में नेचर की तरफ से आपके सामने है। स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी कोई भी हो सकता है, आपके गुरु हो सकते हैं, आपके ईष्ट देव हो सकते हैं, या आप जिन्हें मानते हो सकते हैं, लेकिन वो आपको इस समय अपना पूरा आशीर्वाद दे करके आपके किस्मत के बंद ताले को खोलने जा रहे हैं। आप उनकी शरण में रहिए, आप उनका ध्यान भजन कीजिए, आपको वो भरपूर आशीर्वाद देने के लिए बैठे हुए हैं तैयार। बस आपको क्या करना है, आपको अपने आप को सही रखना है, आपको अपने आप को उनके चरणों में अर्पित करके रखना है। गुरु हैं, इष्ट देव हैं, और आपके जिन्हें भी आप मानते हैं, आपकी किस्मत बदलने वाली है, आपके जीवन में खुशियों का एक ऐसा भंडार आने वाला है, खुशियों का ऐसा पिटारा खुलने वाला है, क्योंकि आज के कार्ड, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए जिस तरह के ये कार्ड्स आए हैं,
कि आपकी लाइफ का पूरे का पूरा आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है। आपने जितनी परेशानियां झेली हैं, जैसी परेशानियां झेली हैं, जैसा समय आपने पिछला कुछ समय बिताया है, वो सब एंड होने वाला है, वो अपने एंड पर है। अब आप अपने जीवन को नई शुरुआत करें, नया एक सवेरा आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, जो आपके लिए बहुत सुखद, बहुत सुंदर। इसके बाद अगला कार्ड ये बता रहा है कि आपके लाइफ पार्टनर, ये देखिए कि आपके लाइफ पार्टनर खुशियों का एक हाथ में, खुशियों का हाथ में एक क्या कहेंगे, क्या इस मुझे शब्द नहीं याद आ रहा बोलना, कि खुशियों का एक हाथ में पूरा वो लेकर आ रहे हैं, पिटारा और आपके लिए बहुत सुखद समय आ रहा है आपके जीवन में, और आपके लाइफ पार्टनर आपके पास दौड़े दौड़े आ रहे हैं मिलने के लिए। और बॉटम ऑफ द डेक, खुशियां आपके पास बहुत तेज़ी से आने वाली हैं, क्योंकि आज की रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत सुंदर, और आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। लेकिन आज की रीडिंग गलत साबित नहीं होगी, सही साबित होगी, क्योंकि कार्ड्स इतने ब्लेसिंग वाले आए हैं, इतने ब्लेसिंग वाले आए हैं और ब्लिसफुल आए हैं। बहुत अच्छी रीडिंग है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरिओम नारायण हरि।